Hi, so today we will talk about measures of central tendency or average. So first of all, what are the characteristics of a good average? When we are saying good average, we are simply saying any value, any single value within the range of the data that can represent our entire data. मतलब हम एवरेज और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी जो हम कह सकते हैं कि हमारे ये पूरा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल ऐसी वैल्यू। अदरवाइज वी हैव एंटायर डेटा जिसपे बहुत सारी वैल्यूज होती है, तो एक अच्छी एवरेज उसको परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है हमारे एंटायर डेटा को। अब उसके कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेट्स टॉक अबाउट इट। आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिजिडली डिफाइंड। When we are saying rigidly defined, हम simply ये कह रहे हैं कि when different statisticians or different persons calculate an average, the average should remain same. मतलब अगर एक ही average को या फिर एक ही type of average को हम different people calculate करते हैं, तो उस time में हमारी average हमेशा same आनी चाहिए। Suppose there are two students in a classroom and we have given them a similar data and we are saying कि तुम इसका एक ये particular type of average निकालो, तो दोनों की value जो आएगी वो same आनी चाहिए, that is a good average. Secondly, तो हमारी calculation इस तरीके से होनी चाहिए कि वो same values दे रहा है, same answer दे रहा है. Secondly, based upon all of values given in the distribution, मतलब हमारा जो data है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको कंसिडर करने की ज़रूरी है। ये ना हो कि वी आर लीविंग फ्यू वैल्यूज एंड सेइंग कि हम इस डेटा के इस पार्ट को रहने देते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इससे ईजी नहीं है, टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, या परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी एंड हम रिमेनिंग डेटा की कैलकुलेशन करते हैं। वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, पूरा डेटा यूज़ होना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज। ईजीली अंडरस्टूड, तो जो हमारी एवरेज है वो बेसिकली बहुत इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। हमें कुछ इस तरीके की एवरेज लेंगे, लाइक जो भी हम एवरेज निकाल रहे हैं हमें उसका मीनिंग समझ आना चाहिए कि वो मीनिंग क्या है। एंड बेसिकली व्हेन वी आर सेइंग कि हमारा ये जो एवरेज है ये आ रही है इस टाइप ऑफ एवरेज, हम सिंपली कह रहे हैं कि हमारी ये एवरेज अगर ये आ रही है तो इसका मतलब क्या है। Then we have is capable of being calculated rapidly. मतलब हम उसको फटाफट कैलकुलेट कर सकें, हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे कैलकुलेशंस करने में। वी कैन डू इट वेरी क्विकली एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो कैलकुलेशंस में। नेक्स्ट भी शुड बी स्टेबल एंड अनअफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। शुड बी स्टेबल एंड अनअफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस से मतलब क्या है? फिर हम देखते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस क्या होती है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस इज सिंपली अगर सपोज हमारे पास एक पूरी पॉपुलेशन है, लेट्स सी वी आर कंसिडरिंग नंबर ऑफ फीमेल्स नंबर ऑफ मेल्स इन इंडिया। सो उसके अंदर हमें क्या करते हैं, वी टेक रिप्रेजेंटेटिव टू और थ्री स्टेट्स, सपोज एनी थ्री रैंडम स्टेट्स, एंड हम वहाँ पे देखते हैं गर्ल्स और बॉयज की क्या रेशियो है। सो फ्रॉम देयर अगर हमने दीज थ्री और फोर स्टेट्स दैट वी आर टेकिंग देम एज सैम्पल स्टेट्स, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि जो हमने ये सैम्पल स्टेट्स ली उससे हमने जो एवरेज निकाली वो उतनी ही रहनी चाहिए जब हम कोई और तीन या चार सैम्पल स्टेट्स ले जो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड उसमें से हम एक एवरेज निकाले। दोनों से एवरेजेस सेम आनी चाहिए। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस मतलब कि अगर हमने सैम्पल चेंज कर दिया तो हमारी वैल्यूज या आंसर्स हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, तो व्हेन वी आर सेइंग गुड एवरेज वी आर सेइंग कि वो जो गुड एवरेज हमारी जो एवरेज है दैट शुड नॉट चेंज विद आवर सैम्पल। कि अगर हमने शुरू में सपोज ये थ्री स्टेट्स ली ए बी एंड सी, तो हमारी जो हमने नेक्स्ट थ्री स्टेट्स ली डी ई एंड एफ, तो हमारे दोनों से एवरेजेस सेम आनी चाहिए। देन इट्स कैपेबल ऑफ फर्दर अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, मतलब हम आगे से फर्दर कैलकुलेशंस कर सके, लाइक स्क्यूनेस कर्टोसिस, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर ऑन, वी विल स्टडी देम इन डेप्थ। सो अभी बेसिकली हम ये कहते हैं कि उस मीन को हम यूज करके फर्दर कर सके। सो नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ एवरेजेस। अभी हमने जब बात की थी टाइप्स ऑफ एवरेजेस तो वो ये है। सबसे पहले इट्स मीन, सेकेंडली इट्स मीडियन, थर्ड इज मोड। व्हेन आई एम सेइंग मीन आई एम सिंपली सेइंग एन एवरेज, व्हेन आई एम सेइंग मीडियन आई एम सेइंग एनी वैल्यू विच इज एट द मिडल ऑफ आवर एंटायर डेटा। पूरे डेटा के एकदम बीच में जो एक वैल्यू आएगी दैट इज आवर मीडियन। बेसिकली दिस इज लोकेशन स्पेसिफिक। मोड, व्हेन आई एम सेइंग मोड आई एम सिंपली सेइंग इट इज द वैल्यू दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है दैट इज आवर मोड। We'll study all these three topics in depth.
So what are the types of means? They are arithmetic mean, weighted mean, geometric mean, harmonic mean. So this is basically the classification of the averages. What are the different types of averages? Now let's start studying the first type of average, that is mean. And under mean, we will start with arithmetic mean. So basically, hum ab sare hi means ho, or mode, or median, in sabko hum ab detail mein padhenge. So we'll start with arithmetic mean. When I'm saying arithmetic mean, I'm simply saying arithmetic mean of a series is the quotient obtained by dividing the sum of the values by the number of items. मैं क्या कहना चाह रही हूँ इससे, मैं सिंपली कह रही हूँ कि बेसिकली वी टेक द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन आर डेटा, हम उन सबको ऐड करते हैं एंड उसके बाद जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उससे डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ अ मीन. और हम इसका अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी. लेट्स सपोज कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है दीज आर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री टिल एक्स एन, राइट. So therefore we can say our total number of observations is n, right, of the variate x. Then what can we say, what does our mean? First of all, mean is represented by this symbol x and the bar upon x. So x bar is our arithmetic mean. Now we'll see that how do we calculate it. अभी हमने बात की थी, it's simply sum of all these x1 plus x2 plus x3 plus and then keep on adding till xn, मतलब total number of observations जो हमारी n है, हम इसको divide करेंगे upon total number of observations से, therefore we can say it's like 1 by n into this sum divided. So we can say we are simply dividing our sum of all the observations by n. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, we can also write it as 1 by n summation of x I, where I goes from 1 to n. So this is again our mean. Or हम इसको simply symbolically लिख सकते हैं summation x by n. जहाँ पे when we writing summation x और हम I नहीं लगा रहे, हम कह रहे जितने भी x variate की values हैं सबको add करके we dividing it by n. So this is our basic concept कि हमारा arithmetic mean क्या होता है. ओवर है अभी जो हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन की समझ रहे हैं, उसमें वी आर टेकिंग आर इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, राइट. तभी हम सारे फॉर्मूलाज उसी के पढ़ रहे हैं. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज ऑफ 10 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस. दे आर 10 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस एंड वी हैव गॉट द मंथली सैलरीज ऑफ ऑल दीज एम्प्लॉयज. नाउ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मीन सैलरी. तो मीन सैलरी कैसे होगा, एक्स बार क्या होगा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था 1 अपॉन एन इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू टिल एक्स एन. और वी कैन हैव सिंपली सेड इट 1 बाय एन समेशन एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू 10. और वी कैन हैव सेड सिंपली 1 बाय एन समेशन एक्स. तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन क्या आएगा, वी नो वी हैव टोटल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, सो इट विल बी 1 बाय 10. देन वी हैव आवर एक्स वन इज 250 plus 275 plus 265 plus 280 plus 400 plus 490 plus 670 plus 890 plus 1100 plus 1250. So this is our formula, and when we will do it, we'll get a total sum of 5870 and this divide by 10 because of this 1 by 10 and then which is equal to rupees 587. Therefore we can say that our mean salary or mean monthly salary of an employee is rupees 587, right. अब तक हमने जो केस पढ़ा था that was the thing when we have very less, very fewer values plus the values were not very big. तो लेकिन अब जब हमारे पास values बहुत बड़ी हो जाएंगी तो हम उसमें अंदर हम next दूसरा method use करेंगे and that method is shortcut method. तो जो हम कह रहे हैं shortcut method, हम वो basically एक principle पे लेते हैं. that principle जो कि अभी हम आगे properties of mathematical
मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम वो प्रिंसिपल समझेंगे. तो वो सिंपली प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि व्हेन वी ऐड और व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ऑल आर वैल्यूज फ्रॉम द मीन और व्हेन वी सिंपली सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ऑल आर वैल्यूज दिस समेशन इज ऑलवेज जीरो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स राइट. अब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में हम क्या कहते हैं, मीन पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं उसको समझेंगे. मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन. समझते हैं, एन इज अगेन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस राइट. सो व्हाट इज ए, ए इज एज्यूम्ड मीन. और हमारा अब डी एक्स क्या होता है, डी एक्स हमारा होता है सिंपली डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. एज्यूम मीन क्या होता है, हमने अब एक्स माइनस ए विच इज एज्यूम मीन. तो हम क्या कह रहे हैं, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हमारा एज्यूम मीन इज एनी मीन जो हम अपने पूरे डेटा में से जनरली एज्यूम कर लेते कि चलो ठीक है वी हैव अ डेटा इसके अंदर से हम ये मीन हम मान के चलते कि ये मीन है. ऑल्दो इट्स वी डोंट नो कि वो मीन है या नहीं. Assume mean, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि ओके दिस इज अ मीन फॉर अस एंड विल सिंपली स्टार्ट आर कैलकुलेशंस नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो हम इसमें क्या कह रहे हैं, हम सारे समेशन डी एक्स हम सारे डी एक्स को ऐड करके डिवाइड बाय एन कर देंगे और उसमें हम अपना assume mean ऐड कर देंगे क्योंकि हमने अपने assume mean पहले माइनस किया. अब हम देखते हैं कि हमारा मीन वैल्यू हमारी ये कैसे आएगी. ठीक है, हम इसको एक बार समझते हैं. अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला देखा, हमें बताते हैं कि फॉर्मूला में एक्चुअली वैल्यू कैसे देता है. शॉर्टकट मेथड है तब भी हमें वैल्यू कैसे देगा. देखो हमें पता है ए प्लस विल सिंपली एड इट फॉर ऑल एक्स आई माइनस ए बाय एन विच इज सिंपली ए प्लस समेशन एक्स आई बाय एन माइनस समेशन ऑफ ए बाय एन. अब समेशन ए, अब आप बोलोगे कि ये ए है, समेशन ए बाय एन इज ए बाय एन. नो, समेशन ए मतलब हम उसको एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं. तो हम उसको क्या कहते हैं, दिस वैल्यू हैज टोटली बिकम आर एन ए अपॉन एन. सो दिस पर्टिकुलर टर्म विल बिकम ए, देयरफॉर वी कैन से व्हाट विल हैपन टू दिस एंटायर थिंग, इट विल टर्न आउट टू बी ए प्लस समेशन एक्स आई बाय एन माइनस ए. तो हमारी समेशन एक्स आई बाय एन राइट, समेशन एक्स आई बाय एन जो हमारा पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था. देयरफॉर हमारा शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड सेम वैल्यूज देता है. दिस पर्टिकुलर थिंग इज द, ओके सो बेसिकली लेट्स रिमूव दिस. सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स आवर शॉर्टकट मेथड राइट. नाउ लेट्स गो ऑन टू एन एग्जाम्पल. कैलकुलेट द मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज. बेसिकली हमारा पुराना डेटा ही है जिसपे हम लोग मीन सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं. सी की हमारी मीन सैलरी सेम आ रही है राइट. सो लेट्स मेक अ फर्स्ट कॉलम विच इज अगेन सैलरी राइट एंड विल सिंपली राइट इट इन रुपीज और दिस इज ऑल्सो नोन एज आर एक्स वेरिएबल. सो फर्स्ट विल जस्ट राइट इट डाउन 250 275 265 280 400 490 670 890 1100 and 1250. अब हम अपना नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, दैट इज डी एक्स का राइट क्योंकि हमें डी एक्स निकालने हैं. बाकी सब तो हमारे पास एज इट इज. डी एक्स क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस ए. अब इसमें हम एज्यूम मीन कुछ भी ले सकते हैं. सो लेट्स एज्यूम कि हमारा a इज 400. अब जनरली क्या होता है, हम a कैसे चूज करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारी बीच में जो फिगर्स लाई कर रही है, लाइक वी हैव 1 2 3 4 10 फिगर्स. तो इसमें ऑब्वियसली जो हमारी फिफ्थ या जो सिक्स होगी बिल्कुल सेंटर में होगी, दीज टू फिगर्स राइट.
अब हमें पता है 400 से कैलकुलेशन करना बहुत कन्वीनियंट है, इसलिए हम 400 लेते हैं. तो वैसे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बट वी ट्राई टू टेक अ वैल्यू अज्यूमिंग सच दैट हमारी कैलकुलेशंस आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट. सो नाउ dx व्हिच इज x माइनस a, दैट इज 250 माइनस 400 इज माइनस 150, देन इट्स माइनस 125, देन माइनस 135, देन 280 माइनस 400 इज माइनस 120, देन 400 माइनस 400 0, then it's 90, then we have is 270, then we have is 490, then we have 700, and उसके बाद 850. अब ये सारी values हमारी positive हैं क्योंकि ये सब हमारे 400 से बड़े हैं. पहले वाली सारी values हमारी negative हैं. अब हम अपना formula लिखते हैं. mean is equal to a plus summation dx by n. और जब हम इसमें वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे, ए इज 400 प्लस समेशन डी एक्स चाहिए, हम यहाँ से ऐड करते हैं समेशन डी एक्स, तो हमारा ये क्या आता है 1870. व्हेन वी विल ऐड इट हमारे पास ये आएगा, मैंने निकाल लिया ये पहले, दिस इज आर एवरेज, दिस इज आर डी एक्स, दिस इज 1870, 1870, आर एन इज 10, दिस इज आर 10. सो जो हम इसको सॉल्व करेंगे 400 प्लस 187 which is equal to 587 rupees, right. So this is the way how we compute our arithmetic mean for individual series using shortcut method, right. Now we will talk about arithmetic mean in discrete series. सबसे पहले again we have here a direct method, जो हमने सबसे पहले method पढ़ा था, that is known as direct method, जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था, मतलब जहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, राइट. उसके बाद हम पढ़ेंगे यार शॉर्टकट मेथड. दीज टू मेथड आर यूज टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन आर इन डिस्क्रीट एज वेल इंडिविजुअल सीरीज, दीज आर ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट मीन इन आर कॉन्टिन्यूस सीरीज. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम आपको पता है जो डिस्क्रीट सीरीज होती है, दैट इज सिंपली वी हैव अ वेरिएबल एक्स और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, लाइक एक्स वन है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है एफ वन, x2 है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास f2, x3 है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास f3, राइट. तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपली हमारा मीन का फॉर्मूला बन जाता है इस तरीके से, इज इक्वल टू 1 बाय n इंटू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn, राइट. तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन इन डायरेक्ट मेथड. हमने एफ वन एक्स वन क्यों किया, हमें पता है कि हमारा एक्स वन एफ वन टाइम्स रिपीट कर रहा है, सपोज फोर टाइम्स हमारा एक्स वन रिपीट कर रहा है. अगर हम इसको सिंपली एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन उसको फोर टाइम्स ऐड करते, फिर एक्स टू को एफ टू टाइम्स ऐड करते, तभी हमारा यही फॉर्मूला बन जाता. तो हमने बस सिंपली क्या किया, हमने लाइक सपोज एफ हमारा एक्स वन वन है और हमारी फ्रीक्वेंसी इज टू, एक्स टू हमारा टू की फ्रीक्वेंसी इज वन, देन थ्री की फ्रीक्वेंसी इज फोर. और इसमें हम क्या करते हैं, वन को टू टाइम्स ऐड करते, दैट इज वन प्लस वन, टू को वन टाइम ऐड करते तो प्लस टू, थ्री को फोर टाइम्स ऐड करते प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री. तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि वन इंटू टू प्लस टू प्लस थ्री इंटू फोर. तो ये भी तो हमारा एक तरीके से वही सम आया ना जो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं. सो देयरफॉर हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज को एक्स वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको ऐड करते हैं रादर देन सिंपली एडिंग आर एक्सेस. नाउ उसके अंदर एफ वन से मल्टीप्लाई करके देन वी ऐड, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन, जहाँ पर हमारा एन क्या है, एन इज समेशन एफ. जब तक हम बात की टोटल इन फ्रीक्वेंसीज को व्हेन वी विल ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ, दैट इज आर एन, राइट. अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की. शॉर्टकट मेथड फॉर डिस्क्रीट सीरीज अगेन समवट सिमिलर टू व्हाट वी डिड फॉर आर इंडिविजुअल सीरीज, एक्सेप्ट द थिंग कि इसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाती, फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई हो जाती है, लाइक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स बाय एन, जहाँ पर dx हमारा क्या होता है, x माइनस है. अब हम लोग यही बात करेंगे जो भी हम पहले कर रहे थे कि f हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, हम अपने ये dx
एक पर्टिकुलर एक्स के लिए फोर टाइम्स निकाले या फिर उसको सिंपली फोर से मल्टीप्लाई कर दे, तो एक ही बात हुई ना, हम उसको फोर टाइम्स ऐड कर रहे या फिर उसको सिंपली फोर से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसलिए हमने उसकी फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड अगेन हमारे पास आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा था कैसे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट, हमने देखा था डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड रिलेटेड है। अब मैंने तुम्हें ये भी बता दिया आपको कि किस तरीके से हमारा हमने एफ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं जो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, अगर हम उनको ऐड भी करेंगे तब भी वो इट्स सिमिलर टू एडिंग फोर टाइम्स अ पर्टिकुलर नंबर इज सिमिलर टू मल्टीप्लाइंग दैट पर्टिकुलर नंबर बाय फोर, राइट। अब हम डायरेक्ट मेथड का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग एरिया डेज ऑफ द वीक इन अ गिवन मंथ, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ देयर वर 5 फ्राइडेज एंड सैटरडेज एंड ओनली 4 ईच ऑफ द अदर डेज, कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे। सो लेट्स राइट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारा ये एक्स है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज आर एक्स 20, 22, 10, 9, 11, 8, 20, right? So total is 100. We won't write it as n, but it's a total accident. So हमें अभी ये नहीं चाहिए. So we don't, let's not write it here, right? Now हमें अब हमारे देखने हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे x से हमारे number of accidents हो गए, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे x पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, दिस लेट राइट ऑफ एक्स इज आर वेरिएबल इज आर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो हमारा वेरिएबल है, राइट। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, राइट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, देयर वर 5 फ्राइडेज एंड सैटरडेज। अच्छा हम यहाँ पे पहले ना डेज भी लिख लेते हैं, सो इट्स संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, ताकि हम नंबर ऑफ डेज देख सके, फ्रीक्वेंसीज देख सके, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब हमारे पे पता है कि 5 फ्राइडेज एंड 5 सैटरडेज हैं, सो फ्रीक्वेंसीज आर 5 ईच, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि अदर डेज आर 4, सो हमारी बाकी सबकी फ्रीक्वेंसीज हुई 4, सो दिस इज आर फ्रीक्वेंसी, राइट। अब हमारे को क्या निकालना है, वी गॉट अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, वी गॉट अ फ्रीक्वेंसीज फॉर इट, एक्स और एफ आ गया। अब हमें पता है कि हमें डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं हम लोग, सिंपली हम एक वो बनाएंगे एफ एक्स, दैट इज 20 × 4 = 80, 22 × 4 = 88, 10 × 4 = 40, 9 × 4 = 36, 11 × 4 = 44, 8 × 5 = 40, 20 × 5 = 100. So this is our fx. Now when we will add it, we will get summation of fx is equal to 428. जब हम f अपना add करते हैं ताकि हमें n मिल जाए, तो वो कितना आता है 30. And total number of accidents तो हमें चाहिए नहीं, right? एक week में total number of accidents is 100. तो but we don't need it right now. तो हम क्या से क्या बोलेंगे कि हमारा x bar क्या आएगा? Our x bar will be summation of fx by n, which is equal to 428/30, right? So इससे हमारे पास क्या आता है, it turns out to be 14.27, rounding it off, क्योंकि हमारे accidents कभी भी decimals में नहीं हो सकते, we get 14 accidents per day, क्योंकि हमने frequencies को number of days में देखा था। When we are dividing it by total number of days in a month, that is 30, तो हम उससे कह रहे हैं कि हमारे these are the total number of accidents per day. अगर ये suppose data yearly होता and we would have got data for like January, February, March, April, तो हम उसको 12 से divide करते for total number of months and that would have turned out to be number of accidents per month. So this is our number of accidents per day, क्योंकि हम number of days से divide कर रहे हैं. Now we will solve the same problem using our shortcut method. जब हम कह रहे हैं शॉर्टकट मेथड, तो हम तो अगेन हम पहले शॉर्टकट मेथड पहले हम अगेन वैसे ही लिख लेते जैसे हम पहले लिखे थे, लेट्स राइट डाउन डेज, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं एक्स, फिर दिस इज आर फ्रीक्वेंसीज विच इज एफ, देन वी हैव इज डी एक्स, राइट, एंड देन वी हैव इज एफ डी एक्स, dx हमें पता है इट्स x माइनस a, राइट।
चलो हम पहले डेज लिखते हैं. दिस इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स नोट करते हैं. 20, 22, 10, 9, 11, 8, 20. फ्रीक्वेंसीज पहले की तरह, दीज आर फोर डेज हैं क्योंकि हमारे पास ये फोर टाइम्स आ रहे हैं. तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 20 एक मंथ के अंदर फोर टाइम्स आए. सिमिलरली नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फ्राइडे हमारे पास 5 आए थे, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 8 हमारे 5 टाइम्स हुए, 20 हमारे 5 टाइम्स हुए. नाउ आर डी एक्स विल बी सिंपली, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आर एक्स माइनस ए. तो हम एज्यूमिंग लेते हैं 10 अगेन, क्योंकि हमें कन्वीनियंस चाहिए कैलकुलेशन में, तो हम इसको 10 एज्यूम कर लेते हैं. राइट, आइडियली इट शुड बी 9 क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है, बट क्योंकि हम अपने शाम ए क्यू लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, तो दैट विल टेक अस 10. सो वी विल गेट आर डी एक्स टू बी 10, 12, 0, माइनस 1, प्लस 1, माइनस 2, 10. अब हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स वी नीड. क्यों हमारा पहले हम लिखते फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाई एन. तो इसमें हमारे को समेशन एफ डी एक्स चाहिए. एफ डी एक्स निकालेंगे कैसे, डी एक्स इंटू एफ इज 40, देन 4 इंटू 12 48, 0, माइनस 4, 4, माइनस 10 एंड 50. वी नीड समेशन एफ डी एक्स, हमें समेशन चाहिए, तो हम एफ डी एक्स को पहले ऐड कर लेंगे. विल गेट इट एज पॉजिटिव 128. राइट, हमारे पास टोटल एफ कितने हैं 30, हमें बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. अब एक चीज़ देखो कि हम यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा हमें क्या क्या निकालना है, हमें क्या क्या कॉलम बनाने हैं. हम सिंपली अपना फॉर्मूला लिखेंगे एंड उसके बाद हम उसमें चेक करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए. जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो मुझे पता है मुझे एफ डी एक्स चाहिए इसमें, तो हमने वहाँ पर लिख दिया. अब इसको हम सब्सिट्यूट करते हैं, 10 प्लस समेशन एफ डी एक्स इज 128 अपॉन एन इज 30. राइट, सो वेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट इट एज अगेन 14.27 विच इज इक्वल टू 14 एक्सीडेंट्स पर डे. वही आंसर जो हमारे पास पहले आया था. राइट, लेट्स चेक कि हमारे पास यही था. यस, 14 एक्सीडेंट्स पर डे, 14.27, तो एग्जैक्टली सेम फिगर आई हमारे पास. राइट, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आर अरिथमेटिक मीन एंड इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.